नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। खाली हाथ, ये वो शब्द है जो इस वक्त राजनीति में काफी हद तक दिखाई दे रहा है। और खाली हाथ जो हमने आज सोचा कि दक्षिण भारत, यानी कल जब हमने देखा वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गई, तब से लेकर अब तक बहुत सारी राजनीति अलग अलग जगह पर दिखाई दी। एक तरफ परिवारवाद के आरोप लगाता हुआ बीजेपी का पूरा जो खेमा था वो दिखाई दिया कांग्रेस पर, क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने आई उससे आगे की भविष्य की राजनीति भी दिखाई देती है कि एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अब रॉबर्ट वाड्रा और साथ ही उनके बेटे, यानी भविष्य की राजनीति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी दिखाई दिए। तो खाली हाथ कांग्रेस इस तरह से है कि परिवार के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है। और एक वीडियो काफी वायरल हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि वो एक छोटी सी खिड़की में से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं और वो अंदर नहीं थे। लेकिन उसके बाद अब इसको हम कहें कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई कांग्रेस की तरफ से, या क्या वजह थी कि उसके बाद पिक्चर वायरल की गई दूसरी, जिसमें वो अंदर बैठे हुए हैं नॉमिनेशन सेंटर पर और प्रियंका गांधी के बगल में बैठे हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें कल से अब तक चर्चा में है। लेकिन खाली हाथ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश में ठेंगा दिखा दिया है अखिलेश यादव ने, और कुछ इस तरह से दिखाया है कि बात भी अपनी मानी उनकी, मतलब कांग्रेस की अपनी मनवाई, और दूसरी तरफ आज जो पिक्चर दिखाई वो भी ये दिखाई कि हम दोनों साथ साथ हैं। और एक बहुत अहम पोस्ट जो कि अखिलेश यादव ने की कांग्रेस को आईना दिखाते हुए, वो ये थी कि बात सीटों की नहीं है बल्कि जीत की है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि अगर हम कांग्रेस को ये सीटें देते, यानी टिकटों में जो बातचीत चल रही थी उसमें हम उनके आगे झुकते, तो हार ही हाथ लगती, इसलिए खाली हाथ रही कांग्रेस वहां पर। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर तेजस्वी यादव की झारखंड में दिखाई दे रही है, जहां पर सुगबुगाहट यह हो गई है कि क्या अब लालू प्रसाद यादव के एरा से पूरी तरह झारखंड बाहर निकल जाएगा और वहां पर आरजेडी, उनकी एक तरीके से कहें हैसियत, कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर दिखा दी है। तो ये गठबंधन में कौन कौन खाली हाथ है और परिवारवाद जिसका आरोप लग रहा है उसको लेकर क्या भविष्य में कांग्रेस कुछ और रहा आसान करेगी या मुश्किल करेगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है। जो भी कोई दलित समाज अभी भी कांग्रेस पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता है, कल वो वीडियो देखने का बाद उनका कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी उनका मन में था वो साफ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में दलितों का कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी जितना आरोप विपक्ष पर लगाती है अपने गिरेवान में नहीं झांकती है, तो परिवारवाद पर अगर एक उंगली इधर उठाएंगे तो बीजेपी के इधर चार उंगली उठेंगे, ये जान लेना चाहिए। राहुल गांधी जी संसद पहुंच गए तो प्रियंका गांधी जी पीछे छूट गई थी, और उत्तर प्रदेश नेहरू परिवार की कर्म भूमि रही है, न जाने क्या कभी लगाव होता है कभी हटते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है।
कांग्रेस पार्टी को आज जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, अब कांग्रेस पार्टी को वो फोटो ट्वीट करके लुभाने का काम कर रहे हैं। ये फोटो से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति में चुनाव लड़ना पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी की समाप्ति के संदेश है। लेकिन बात देखिए यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक वो बयान जिससे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों का रुख करेंगे, जरा वो बयान पहले आपको सुना देते हैं, क्योंकि ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब परिवारवाद की बात भी लग रही है, जब तमाम बातें की जा रही हैं। उस वक्त अगर रॉबर्ट वाड्रा वो अपना क्लेम, और ये क्लेम उन्होंने अभी पहली बार नहीं दावा ठोका है, बल्कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में यही बात कही, फिर विधानसभा चुनाव में यही बात कही, हरियाणा के चुनाव में यही बात कही, और अब जब उनकी पत्नी को टिकट मिल गया, उनकी पत्नी वायनाड से नॉमिनेशन फाइल कर रही थी, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी, ऐसे मौके पर भी आज एक बार फिर अगर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये बात आती है कि अब मैं भी दावेदार हूँ, मुझे भी अब कंसिडर किया जाए, तो फिर क्या होगा? एक बार जरा उस बयान की तरफ सुनते हैं और उसके बाद हम मेहमानों का रुख करेंगे। लोगों को लगेगा कि मुझे भी अपने राजनीति, सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और संसद में होना चाहिए, तो मैं वो कदम लूंगा। पर अभी मैं खुश हूं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं, उनके जो मुद्दे होते हैं मैं समझता हूं, और अपने परिवार को भी बताता हूं कि ये असल मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं, और ज़रूर लोगों की बात रखता हूं। मैं ये कहूंगा कि अब सब जगह से, चाहे हरियाणा हो या जहां भी मैं जाता हूं, वहां से लोगों की पुकार आती है कि आपको राजनीति में होना चाहिए, आप इतनी मेहनत करते हो तो बड़े पैमाने पर अपनी बात रख पाओगे, अपनी बड़े पैमाने पर काम कर पाओगे लोगों के बीच में। पर उसके लिए समय है, और जब समय आएगा, जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी, जो मेरे परिवार आदेश करेंगे, तो फिर मैं इरादा मेरा पक्का होगा। चलिए, तो बहुत ही साफ तरीके से उन्होंने बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं। चलिए, मेहमानों का रुख करते हैं। विजय शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सीधे जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ प्रियंका भारती कुशवाहा जी जुड़ रही हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, प्रवक्ता आरजेडी की हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, दिल की ख्वाहिश जुबान पर आ गई, रॉबर्ट वाड्रा कौन से चुनाव में आने वाले हैं मैदान में अब? अजय वर्मा जी, रीमा जी, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बोलिए। अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। मेरी आवाज आ रही है रीमा जी? सर बुलंद आ रही है आपकी आवाज, बोलिए ना। अब मैं ये बताना चाहता हूं, इस शेर की शुरुआत मैंने इसलिए की थी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, ये मेरी आवाज वापस घूम के आ रही है। अच्छा, मैं ठीक करवाती हूँ, जरा ठीक कीजिए, क्योंकि हाँ, लेकिन आप बोलिए। कांग्रेस परिवार का कोई भी नेता, आप देखिए, हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव, यहां कोई भाषा ऐसा नहीं है कि साहब ये तो भाजपा की मानसिक दिवालियापन की देन है कि परिवारवाद का नारा, क्योंकि ये इनका प्रोपोगंडा है। अभी देसलाई गैंग के एक मुख्यमंत्री आसाम वाले कह रहे थे कि साहब ये परिवारवाद, ये परिवारवाद नीरज सिंह दिखाई नहीं देगा अगर परिवारवाद पर जाएंगे, पंकज सिंह दिखाई नहीं देंगे, फडणवीस साहब दिखाई नहीं देंगे, पीयूष गोयल साहब दिखाई नहीं देंगे, कलराज मिश्र के दिखाई नहीं देंगे, आशुतोष टंडन दिखाई नहीं देंगे, मैं कितने नाम और गिनाऊं? अगर हिंदुस्तान में गिनने लगेंगे आप तो 100 से ज्यादा नाम भाजपा के परिवारवाद के लोगों के नाम है। तो प्रियंका जी देश की सेवा करती है, कांग्रेस के लोग उन्हें चाहते हैं, वायनाड के लोग चाहते हैं, और भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो तरह तरह के प्रोपोगंडे करके आरोप लगाना चाहते हैं। कभी अब खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित नेता है, 6-7 बार के सांसद है,
जब नॉमिनेशन होता है तो नॉमिनेशन के लिए रीमा जी कैंडिडेट आगे बैठती है, अब आप एंकर हैं, मैं आपकी जगह बैठ जाऊं, आप ही तो आगे बैठेंगी एंकर की कुर्सी पर, तो कैंडिडेट ही आगे बैठेंगी। और माता जी है सोनिया जी, अध्यक्ष जी रहेंगे हमारे, खड़गे जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, वो रहेंगे। तो ये केवल भाजपा के मानसिक दिवालियापन का खोखलापन है जिसको ये प्रदर्शित करना चाहते हैं अपने देसराई गैंग के लोग। भाटिया साहब आ गए, मुख्यमंत्री आ गए। अरे अभी मैं उस मुद्दे पर आई कहां थी, देसराई गैंग में जो 2000 अजय वर्मा जी, अभी तक मैं वहां पर तो पहुंची ही नहीं थी, पूर्व मंत्री खड़गे जी तक तो मैं अभी पहुंची नहीं थी, वो तो मैं मुद्दे पर आई ही नहीं थी। मैं तो अभी अभी सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक सीमित थी, जिनका आपने नाम लेना उचित नहीं समझा, आपने पूरा सारी दास्तान बता दी। लेकिन चलिए यहीं से शुरू करते हैं। गांधी परिवार, उनका योगदान समझ में आता है जो बताया जाता है और जो दिखाई देता है कि चलिए उनके पिताजी, उनकी माताजी और तमाम चीजें, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का योगदान क्या है जो वो क्लेम कर रहे हैं? और अब कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा कहें या दशा कहें, ये आ गई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता जमीनी हकीकत नहीं बता पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मैं उनको बताता हूं कि कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जमीन पर क्या चल रहा है, ये सारी रिपोर्ट उनको मैं देता हूं। तो ये तो बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया है। वो किस पद पर है पार्टी में जो वो सारी रिपोर्ट देते हैं पार्टी में जाकर, मुझे बताना है ना अजय वर्मा जी? हाँ मैं ही तो बता रहा हूँ। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जी भारतीय हिंदुस्तान के एक बता रहा हूँ, देखिए रॉबर्ट के लोग रहते हैं, कुछ प्रोपोगंडिस्ट रहते हैं, वो भाजपा के एजेंट या प्रोपोगंडिस्ट नहीं है। वो मुद्दों पे लोग उनसे मिलते हैं सोशल फैब्रिक बचाने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए रहते हैं। कई सामाजिक संगठनों से वाड्रा साहब के पास हिंदुस्तान में रिपोर्ट आती है, कई संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं उसके बाद उससे मदद करते हैं। तो जो रिपोर्ट आती है वो हमको नहीं, वो पूरे देश को भी बताते हैं। उनका ट्विटर हैंडल अगर उठा के आप देखेंगे तो समय समय पर वो डालते रहते हैं शुभकामनाएं, सारी चीजें। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की ना आप चिंता करें ना भाजपा चिंता करे, क्योंकि कांग्रेस के बिना उन्हें भोजन नहीं पचता। बीजेपी के लोगों को कांग्रेस का नाम लिए बिना 100 बार 200 बार 500 बार मोदी जी परेशान हो जाते हैं। जवाब ले लेते हैं, समुंदर है कांग्रेस की चिंता बीजेपी करेगी या नहीं करेगी, मुझे एक्चुअली करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस की चिंता करने के लिए तो रॉबर्ट वाड्रा है ही, वो तो आई गए सामने कि वो इतनी चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की, तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन विजय शर्मा जी, क्यों चिंता इतनी आपको कांग्रेस की? अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गेट के बाहर खड़े हों या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गेट के अंदर हो, सीट पर बैठे हैं, चेयर उनको दी जाए या नहीं, इससे आपको क्यों चिंता हो रही है? एक बात बताइए, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके दलित नेता, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और हम एक शब्द भी ना बोले। वो देश के नेता है, खुद इन्होंने अजय जी ने बताया है, और कई बार के चुने हुए प्रतिनिधि भी है। तो ऐसे वरिष्ठ नेता को, बुजुर्ग नेता को अगर आप दरवाजे में कैसे, एक चपरासी फोर्थ क्लास का देखिए आप विजुअल देखिए किस तरह से झांक के वो मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे को अंदर बुला लीजिए। पहले उनके बेटे और रॉबर्ट वाड्रा जी साथ बैठे हैं, माताजी पीछे बैठे, वो तीसरी रो में बैठे हैं। भाई आप उनको अध्यक्ष बनाते हो, बनाइए, लेकिन उनको प्रताड़ित मत कीजिए। आपने देखा होगा हरियाणा का इलेक्शन किस तरह से आपने, वहां हमारी दलित नेत्री थी इनकी कांग्रेस पार्टी की, किस तरह से इन्होंने उनको अपमानित किया, कहीं एक फोटो नहीं जी का। विजय ने देखा एक और तस्वीर, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी पोस्ट की है और उसमें वो बैठे हुए अंदर चेयर पर प्रियंका गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि आपने झूठी अफवाह फैलाई है, एक तस्वीर आपने दिखाई लेकिन दूसरी तस्वीर आपने एडिट कर दी। देखिए आप मुझे बताइए, ये डैमेज कंट्रोल होता है, ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। आप खुद देखिए आपके वीडियो में दिखा रहे किस तरह से उनके बेटा और उनके पति बैठे हुए हैं, पीछे सोनिया जी बैठे हुए हैं, कहां है यहां बताइए आप मुझे, कहां बैठे हुए खड़गे जी? खड़गे जी झांक रहे हैं कमरे में, कैसे झांक रहे हैं? और ये नहीं है, ये इनकी पहरिश देखिए, अशोक तंवर इनके अध्यक्ष थे हरियाणा के, वो 10 साल के आसपास रहे, उनको कभी संगठन नहीं बनाने दिया, उनको पिटाई की, उनकी गर्दन तोड़ दी, उसके बाद में इन्होंने बनाया उदय मांझी को, उनको कभी संगठन नहीं बनाने दिया। शैलजा जी को इन्होंने किस तरह से अपमानित किया, एक दूसरी नेत्री थी जिनका मैं अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ, उनको तो स्टेज पे इन्होंने अपमानित किया। तो आप कितना दलितों का अपमान करोगे भाई,
जिस तरह से दोहरी चाल चरित्र चेहरा देश देख रहा है आपका, ठीक है, तो आपकी कार की हांडी एक बार चढ़ चुकी। ओके, तो देखिए राजनीति अलग जगह होती है लेकिन बड़ों का मान सम्मान सारे के इसको फ्रेम में रखिए, हां होना चाहिए। ओके ओके ठीक है, अब मैं जरा मनोज यादव जी का रुख करना चाहूंगी। मनोज यादव जी, कांग्रेस को तो आपने खाली हाथ लौटा दिया, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक फोटो और हाथ में हाथ जिसमें दिखाई दे रहे हैं मिले हुए, उस फोटो से दिल तो नहीं मिलेंगे ना, और वो भी उन लोगों के लिए। बीजेपी की भी आज लिस्ट आई है, अपने कैडर का उन्होंने ध्यान रखा है पूरी तरह, लेकिन आपकी लिस्ट परिवार का ध्यान, तो फिर बात घूम फिर के वहीं आके खड़ी हो जाती है। मनोज जी, अब हमारा परिवार तो पीडीए परिवार है रीमा जी, पीडीए परिवार, जनरल सीट कौन सी, गाजियाबाद, उसपे कौन लड़ रहा है, एससी कम्युनिटी का प्रत्याशी, एससी कम्युनिटी का प्रत्याशी। अब इससे बड़ा और क्या परिवार हम अपने बढ़ा पाएंगे। लेकिन आपने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में खाली है, निश्चित तौर पे ये सवाल आज की डेट में बनता है। एक ही सीट का नाम क्यों लिया आपने, गाजियाबाद का, और भी तो सीटें हैं, सबका बताइए ना। तो सब पे आप जान लीजिए कौन लड़ रहा है, हमारा पीडीए परिवार। कटहरी से अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती, करहल से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, मीरापुर से कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा, कुंदरकी से हाजी रिजवान, मजवा से पूर्व सांसद सपा प्रत्याशी रहे रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, ये लिस्ट मैंने पढ़ दी। बहुत अच्छा, आपने पढ़ा और मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। हाँ, तो आप करनी चाहिए प्रशंसा अच्छी बातों की। मैं आपको देखिए, बीजेपी में दो धड़े हैं, एक परिवार वाला धड़ा है, एक बिना परिवार वाला धड़ा है। तो हम बीजेपी के उस वाले धड़े को फॉलो करते हैं जो परिवार वाला है, जो अभी हमारे साथी ने बताया, वर्मा जी ने, राजनाथ सिंह जी का परिवार, सुषमा जी का परिवार, और इस तरह जितने भी पूरे देश में परिवार, उन सारे परिवारों के चीजों को हम फॉलो करते हैं। परिवार इस देश की सकारात्मक इकाई है। बुराई क्या है, जिसके हैं लड़ेंगे, जिसके नहीं है वो क्या लड़ेंगे, और दो को ना लड़ाओ और बीस को लड़ाओ, और इसके बाद ये उनसे कंपेरिजन कराया जाए भैया कि देखो बीजेपी में तो परिवारवाद नहीं है, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है। ये इस बिहाब पे चुनाव नहीं हो रहा है, कोई मनोनयन नहीं हो रहा है, किसी तरीके का कोई मनोनयन नहीं हो रहा है, जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पैसा जमा करना पड़ता है, अगर वोट नहीं मिले तो जमानत नहीं, तो परिवार ही पैसा लगा सकता है क्या, आम कार्यकर्ता के लिए पार्टी कुछ नहीं करेगी। अरे भैया, वकील अपनी वकालत अपनी बेंच से करता है, डॉक्टर अपनी कुर्सी पे बैठ के डॉक्टरी करता है, तो इस तरह राजनीति में भी बहुत सारे परिवार हैं जो अपने क्षेत्र से कनेक्ट रहते हैं और वहां की जनता उनको ही सपोर्ट करती है। हमारा एकमात्र लक्ष्य रीमा जी चुनाव जीतना, उसके लिए जो भी सबसे बेहतरीन समीकरण होगा समाजवादी पार्टी उसका पालन करेगी। तो बात ही खत्म है, फिर इस बात को डिफेंड नहीं करना चाहिए। अब तो आपने क्लियर कर दिया मामला कि हमारा विनेबिलिटी फैक्टर है और विनेबिलिटी फैक्टर के तहत ये होगा। विजय शर्मा जवाब देंगे विजय जी, और उसके बाद में जरा प्रियंका जी का रुख करूंगी। विजय जी देखिए, हर कोई जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है और राजनीति में जीतने के लिए आया, हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ता ना चुनाव। अब अगर सपा ये चाहती है कि वही सांसद या वही उनके बेटे या बेटियां, जो भी चीजें हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो कह ही चुके हैं, तो जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए, ये तो सभी चाहते हैं। अनम्यूट कीजिए, आवाज आ रही है अभी? हाँ बोलिए जी। जी रीमा जी देखिए, मनोज जी ने जो जिस तरह से बताया वो बड़े गलत तरीके से बताया है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति वहां है जहां मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके बेटे पहली बार विधायक बनते हैं, पहली बार में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। क्या मनोज जी सपने ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के, आप मुझे बताइए। पहली बार में विधायक नहीं बने थे, सांसद भी थे उससे पहले, वो दिल्ली में सांसद थे, उसके बाद वो विधायक बने थे, पहले सांसद बने थे। में पहली बार सांसद बने थे और लगातार, यानी 13 साल काम किया था पार्टी के लिए, यूथ के वो प्रेसिडेंट थे, पूरे यूथ समाजवादी पार्टी को देखते थे। क्या अज्ञानता के साथ, पूरी बात सुनिए, हम तो सुन रहे हैं लेकिन अज्ञानता के साथ बोला करिए। सुनिए सुनिए, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया उससे पहले गए थे मेरे भाई, सुनिए ना, बीच में आपके कोई बोलता है क्या, आपको गजब बात बोलते हो, इतना दिव्य ज्ञान की बात करते हो। हरियाणा वाले तो बहुत दिमागदार होते हैं,
आप हरियाणा में रहते हैं, दिमाग नहीं रखते। किम जोंग या प्रधानमंत्री है या नरेंद्र मोदी है? यहां पे वार शुरू कर दीजिए। ये साउथ कोरिया नहीं है, कोरिया नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र बेस्ट लोकतंत्र माना जाता है। आप तय करेंगे कौन क्या पहनेगा, कहाँ पड़ेगा, क्या खाएंगे। अपनी मानसिकता दिवालिया खत्म कर दीजिए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात हो रही है, अभी आपकी बात नहीं हो रही, रुकिए। अरे वो मानसिक दिवालिया की बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ क्या, ये तय करेंगे कहाँ पढ़ाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सोना है, क्या उड़ाना है। बीजेपी कैसे अपनी बात रखेगी वो आप तय नहीं करेंगे ना, जैसे कि मनोज जी कैसे रखेंगे वो बीजेपी तय नहीं करेगी। तो अब उनको बोलने दीजिए वो क्या बोल रहे हैं। विजय जी बोलिए। जी तो मैं बता रहा था, इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह के बेटे थे। थे नहीं है। अरे थे नहीं है। अरे चलो वो अपना बेटे हैं, तो आप मुझे बताइए उन्होंने कभी भी सही में कहा कि सबका इस्तेमाल हो, ऐ संसदीय भाषा। अरे भाई रुकिए, अजय जी को म्यूट कीजिए थोड़ी देर। हाँ बोलिए विजय जी। थोड़ी देर मेरे ख्याल से विजय शर्मा जी को रिलैक्स। उनके बेटे बन जाते हैं, थोड़ा सा और शिवपाल यादव जी का रह जाते हैं, तो क्या हिम्मत है? मनोज जी सपने ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर बनने के, प्रदेश के बताइए मुझे आप। अगर ये आज बोलेंगे कल इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या आपने सपने भी कैसे ले लिए चीफ मिनिस्टर बनने के? ये इनके में रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, इनके यहाँ तो बाप बेटे में लड़ाई चुनाव आयोग तक चली जाती है। ये ऐसा परिवार वाद है इनका, वहां कहते हैं चुनाव चिन्ह मेरा है। वो कोई बेटा के साथ बाप नहीं लगता है, बाप जो है वो बेटे को समझाता है कि आप चाचा के साथ लग जाइए। ठीक है, तो आपने जो मैंने बोला फर्स्ट टाइम का वो मैंने, आपने इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। आगे मैं क्या बोलने जा रहा था, तो आप थे किंतु परंतु पे मत जाइए। आप आज ये समझिए कि आपके यहाँ कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में आप मुझे बताइए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उपाध्यक्ष बन जाते हैं, आप मुझे बताइए एलओपी के नेता बन जाते हैं, आपके यहाँ ये अपने बैठे हैं अजय वर्मा जी, ये सपने ले सकते हैं क्या? ओके, मैं पार्टी को चलाऊंगी, आप मुझे बताइए। अब वहाँ प्रियंका गांधी जी चुनाव वहाँ पहुंच जाती है, केरल पहुंच जाती है, कैसे पहुंच जाती है, उनका क्राइटेरिया क्या है? आप अमेठी भूल गए, वहाँ किस तरह से इतनी महंगी मोटरसाइकिल, आपके रॉबर्ट वाड्रा जी कहते हैं राहुल जी का समय, हमारा समय आने वाला है। ठीक है, ठीक है, बहुत देर से प्रियंका भारती भी वेट कर रही हैं, लेकिन मनोज जी तुरंत जवाब दीजिए। अजय जी रुकिए एक सेकंड, फिर प्रियंका जी का रुख करेंगे, क्योंकि अभी अभी बात सपा और इसी की चल रही है, इसलिए पहले मनोज जी। कांग्रेस ने जिनके जितने प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए, इसके अलावा भी चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, वीपी सिंह जी रहे हो, या मनमोहन सिंह जी रहे हो, या गुजराल साहब रहे हो, देवगौड़ा साहब रहे हो, आपने किसको प्रधानमंत्री बनाया सिवा बीजेपी के? आप अपना बताओ ना, आपने या तो मोदी जी प्रधानमंत्री को बना देते तब आप ये बात कहते। कांग्रेस ने तो बहुत सारे दलों को समर्थन करके, अरे सर सपा की भी बात करेंगे या कांग्रेस के को डिफेंड करने के लिए? अजय जी है ना, करने दीजिए उनको बात। अब जरा प्रियंका जी का रुख करेंगे। ओके ओके, अब इंडिया समझ में आ गया। इंडिया, प्रियंका जी कुछ वैसा जो बात विजय जी कह रहे हैं वैसा ही हालात कुछ ना कुछ वहां भी चल रहे हैं। अब बात तो मैं परिवारवाद की करूंगी तो फिर तेजस्वी यादव की बात निकलेगी, लेकिन मैं अभी उस पर बात नहीं कर रही। मैं तो ये बात कर रही हूँ, खाली हाथ तो आप लोग भी रह गए ना झारखंड में, मन मार करके गठबंधन में रहना पड़ रहा है। पहले धमकाया, फिर घुर्राए तेजस्वी यादव, और फाइनली गठबंधन धर्म का पालन दिखाया कि नहीं ठीक है। तो क्या झारखंड में वो जो एक एरा था अनडिवाइडेड बिहार वाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव सर्वे सर्वा हुआ करते थे, हम ये माने अब? और देश की जनता को ये संदेश है कि इतनी कम सीटों पर सिमट कर रह गए अगर आप गठबंधन में, तो अब झारखंड से टाटा बाय बाय। बिहार चाहे डिवाइडेड रहो हो या अनडिवाइडेड रहा हो, वहां की पूरी पॉलिटिक्स की धुरी अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। ये बड़े से बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या फिलोसोफर्स और राइटर्स हो, सभी मानते हैं। अब आप परिवारवाद की बात बोल रही थी कि तेजस्वी जी इसमें लपेटे जाएंगे, लपेटा कौन जाएगा, लिस्ट सुनिए। 2024 में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को खड़ा करने वाली भाजपा, उसके अलावा मधु कोड़ा जी की पत्नी गीता कोड़ा को खड़ा करने वाली भाजपा, रघुवर दास जी जो रहे उनकी बहू पूर्णिमा जी को खड़ा करने वाली भाजपा, बाबूलाल सोरेन किनके पुत्र है
चंपई सोरेन जी के, तो ऐसे पूरा का पूरा मुख्यमंत्री ही उठा जाएंगे लोग कि कहां कहां से किसके परिवार को चुन ले और चुन करके खड़ा कर दे। ये तो रही पॉलिटिकल परिवारवाद की बात, जहां पर कम से कम वो जनता के बीच जाएंगे, जहां से चुन के आएंगे। जो बैकडोर वाला परिवारवाद है, ये है बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी रोहन जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बेटे। आप बताइए आईसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, जय शाह जी, इसमें कौन सा इलेक्शन प्रोसेस हुआ था। और अब रही हमारी बात कि हमने इतनी सीटों पे क्यों मान गए, तो सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, देश का कोई भी कोना हो, वहां बहराइच जैसा दंगा न हो, क्योंकि भाजपा अगर कहीं भी आती है तो वो दंगा करवाएगी ही करवाएगी। ये बीजेपी के ही, मैं नहीं कह रही, बीजेपी के ही विधायक सुरेश्वर सिंह जी बोल रहे थे कि उनके बेटे तक को मारने की कोशिश की गई। अभी हमने दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन देखा, जहां से रिपोर्ट में ये निकल करके आया कि जो दंगाए थे वो कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उनके ही लोगों ने धोखा दे दिया, नहीं तो वो पूरा का पूरा महाराजगंज साफ कर देते। तो हमारा कॉल है कि इंडिया यूनाइटेड हो, एक्सक्लूजन की पॉलिसी नहीं, इंक्लूजन पर देश, हम सभी को अपना परिवार मान के चले। और इसीलिए इसमें हमेशा से राजद ने बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल दिखाते हुए हम चाहते हैं कि बिहार में हो, झारखंड में, हर जगह इंडिया गठबंधन की जीत हो। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन एक तरीके से एकजुटता दिखा रहा है। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तमाम जो तीनों तरफ से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहु की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा, पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिडडे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। चलिए, तो तीन तरफ से हमले, विजय शर्मा जी, परिवारवाद को लेकर सवाल फिर वही खड़ा होता है। कांग्रेस भी वही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी और RJD भी, कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे चेहरे हैं और झारखंड में भी बहुत सारे नाम सामने आए हैं, तो उसका क्या जवाब है? भीमा जी देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे ने संसद के अंदर खड़ा होकर बड़े स्पष्ट तौर पर समझाया था परिवारवाद क्या है। परिवारवाद ये है शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये उनके बेटे चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे चीफ मिनिस्टर, वो पार्टी के प्रधान, पार्टी उनके लिए, पार्टी उनके भ्रष्टाचार छिपाने के लिए। यही समाजवादी पार्टी में है। आप बताइए, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे चीफ मिनिस्टर बन गए, उनके भाई कहां चले गए? आपने देखा होगा चुनाव आयोग तक कैसे लड़ाई चली थी। इसी तरह से तो भाई भी तो परिवार का हिस्सा ही होते हैं, भाई भी तो परिवार का हिस्सा हुए ना, या सिर्फ बेटा बेटी परिवार का हिस्सा है, भाई भी होते हैं। जीजा जी अगर परिवार का हिस्सा है तो भाई भी परिवार का हिस्सा है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि मनोज जी सपने नहीं ले सकते, आज सपने लेंगे, आज कीजिए अभी। मनोज जी तो सपने ले ही रहे होंगे, मनोज जी आप सपने ले सकते हैं या नहीं ले सकते आपकी पार्टी में? अभी दावेदारी कीजिए, कल इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मैं एक मिनट, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हेमंत सोरेन देखिए, शिबू सोरेन देखिए,
वही रुक जाए तो पार्टी क्या है। देखिए आप मनोज जी सुनिए, दो मिनट अच्छा सुन ले, एक बार सुन ले, मैं बताता हूँ। देखिए सरकार जो जो परिवार के लिए पार्टी हो और पार्टी के लिए परिवार हो, इसको परिवारवाद कहते हैं। बड़े स्पष्ट तौर पे इन्होंने सुन रखा है, समझ रखा है, लेकिन जान जो समझ समझ के ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, ये समझना नहीं चाहते हैं। ये समझ चुके हैं कि परिवारवाद ये मोदी जी के। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का बेटा कोई प्राइम मिनिस्टर बना है क्या? बताइए आप मुझे। तो ये परिवारवाद है, परिवारवाद ये परिवारवाद आज प्रियंका गांधी बन गई। पहले वो वाला प्राइम मिनिस्टर तो बनाओ जिसके बेटा हो, एलओपी के नेता बन गए, लोकसभा चले गए। ऐसे मनोज जी प्लीज, भाषा का ध्यान, भाषा का ध्यान मनोज जी नहीं है, पर्सनल कमेंट नहीं होंगे। हाँ आप देखिए, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं कह रहा हूँ कि उनके वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ ही नहीं जिसका बेटा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिसके बेटे होंगे वही राजनीति में आगे बढ़ेंगे, वरना उनकी परिवार से अगर कोई आगे नहीं बढ़ता है तो राजनीति खत्म कर दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के गरीब पिछड़े उन लोगों को वो देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। आपने उनका स्टेटमेंट सुना था? उन्होंने कहा उन लोगों को वो टिकट देना चाहते हैं जिनके परिवार का कोई आदमी आज तक कभी भी राजनीति का सपना आप, नहीं देख पाया। मुझे बताइए, ये आपने सुना या नहीं सुना? मैं बोलूं, मुझे बोलने दीजिए भाई, एक एक करके मनोज यादव, फिर अजय वर्मा, फिर प्रियंका भट्ट। ओके विजय जी, अब जवाब लेते हैं। मनोज यादव जी, देखिए मैं मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है और मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। okay. तो हमारी पार्टी ने मुझे अवसर दिया, आगे भी हो सकता है सदन में पहुंचाएगी, हो सकता है मिनिस्टर बनाएगी, हो सकता है उप मुख्यमंत्री बनाएगी, हो सकता है राज्यपाल बनाएगी। इसी तरह प्रियंका भाटी है, उनके साथ भी यही नियम है। अब सपने देख रहे हैं वो विजय जी, सपने देखने में क्या दिक्कत है? अब मुझे लगता है वैसे मैं बोलने नहीं देता हूँ किसी को, लेकिन आपको कुछ खुजली हो रही है मेरे ख्याल से। अरे भाई नहीं मनोज जी, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ, इस तरह के कमेंट करते हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके जिस तरह आप करते हो। कम से कम बोलने तो दे, भाषा की सभ्यता और मर्यादा एक होती है ना, उसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अच्छा मैं तो शांत होकर सुन रहा था, शांत होकर। हाँ तो सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अब जरा अजय वर्मा जी करो, मुझे अपनी बात क्या लेने दीजिए, बस एक लाइन। समाजवादी पार्टी इस देश की सकारात्मक इकाई परिवार की बात को मानती है। एक जो नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद की परिभाषा दी है, नरेंद्र मोदी जी कोई समाजशास्त्री नहीं है जो उनके उस परिभाषा को एडॉप्ट कर ले। हम नहीं करते, भाजपा करे, जैसे मर्जी वैसे करे। हम अरस्तु के समाजवाद की परिभाषा को एडॉप्ट करते हैं, जिसने बहुत सारे समाजवादियों ने जो लिखा है हम उस समाजवाद को मानते हैं। तो परिभाषा जब समाजवाद परिवार की परिभाषा ही गलत बता रहे हैं, ठीक है। अरे भाई जनता जिसको चुनती है वो राजनीति में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। आपने क्यों नहीं राजनाथ सिंह को चेहरा आगे करके, ठीक है, लड़ते ना राजनाथ सिंह को आगे करके प्रधानमंत्री का चुनाव, अमित शाह को आगे करके लड़ते तो हम जानते आपके लिए सबसे पॉपुलर चेहरा सबसे। फिर वही सवाल आता है मनोज जी की, बीजेपी का प्रधानमंत्री चेहरा मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी तय करेगी, जैसे आपका चेहरा आप तय करते हैं। इसमें भी मेरे ख्याल से तो सवाल और विवाद का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी चाहिए या कौन चाहिए वो बीजेपी तय करेगी और देश में जनता तय करेगी। जैसे अखिलेश यादव का आपने तय किया, शिवपाल यादव नहीं तय किए ना, मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने तय किया अखिलेश यादव को, तो वो बात खत्म। हर पार्टी अपना तय करेगी नेता। ओके ठीक है, लेकिन 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 अजय जी हाँ अजय जी, खाली हाथ कांग्रेस क्यों है हरियाणा के बाद? क्या अब आपको पता चल गया है और आपके सहयोगी अब हावी जिस तरह हो रहे हैं हर जगह पर, मतलब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह, तो क्या भविष्य में कांग्रेस एक जो बिग ब्रदर होने का सपना देख रही थी अब वो सपना पूरी तरह धूमिल हो चुका है? देखिए रीमा जी, आपका चैनल जो है 50 से 60 कंट्रियों में देश में देखा जाता है और आप फिरकर एंकर हैं। आपके चैनल पे मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ, और विशेष तौर पर अब आप अच्छे लोगों को बुलाती हैं जो मानसिक दिवालिया जी ने इन्हें पता बताइए वो करे कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे से हम आगे बढ़ चुके हैं, पॉइंट पर आइए ना प्लीज। 2-3 चीजें सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि साहब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, जब मनोज यादव ये बात कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो उन्हें ऐतराज है, वो खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये मानसिक दिवालियापन की चीजें बेकार है, बात मुद्दों की होनी चाहिए। हमारे यहाँ
लाल किशन आडवाणी जी को उठा के मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, पदयात्रा करी, राम यात्रा निकाली, देश में बीजेपी की पहचान बनाई, दो साल सत्य केवल अटल बिहारी वाजपेयी लाल किशन आडवाणी, मोदी जी का तो नाम नहीं था तब, उसके बाद भी उनको उठा के पीछे फेंक दिया जाता है। और बुली मनोहर जोशी को हमारे यहाँ ये बेइज्जती नहीं करी जाती भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरह जैसे ये लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिस पर फिर इतिहास के पन्ने खंगालने पड़े वर्मा जी, नेशनल चैनल पर बैठकर ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप सुन लीजिए, ऐसी दलील भी नहीं देनी चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल भी सेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग इतिहास इतना तो समझते ही है कि क्या क्या राजनीति में हुआ है, किस पार्टी में क्या इतिहास रहा। सुन लीजिए, अब आपने अरे भाई आपने लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए लड़ चुकी थी चुनाव, कर रही है। अब मुझे बोलने दीजिए फिर आप। अब आप आधी अधूरी जानकारी अगर जनता को देना चाहेंगे तो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा आपको। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से नरेंद्र, अभी मनोज यादव जी ने यही पॉइंट बोला कि पढ़ लिख कर आना चाहिए। मैं आपको भी यही बोलूंगी, सबको यही बोलूंगी, इतिहास के पन्नों को खंगाल कर आना चाहिए चैनल पर बैठने के लिए। जाते हैं दिल्ली के गवर्नर माला के बीच में कोई आ जाता है तो आपके फोटोग्राफी के बीच में उन्हें हटा दिया जाता है, अमित शाह जी को हटा दिया जाता है। तो ये फोटो किस बात का, क्या लिंक कहां से क्या बोल रहे हैं आप अजय जी? फोटो जीवी लोग जो है इस देश में, फोटो जीवी लोग वो तय करेंगे देश की राजनीति। भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर पार्टी को, अब कितनी संसदीय भाषाएं बोल रहे थे वो बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मानसिक दिवालियापन, ऐसे लोगों को ना बुलाया करें, वो कह रहे हैं कि एक चपरासी की तरह झांक रहे, शर्मनाक। और निंदा करता हूं इस बात की मैं इनकी, बीजेपी की प्रवक्ता की, कि भाषा शैली किस तरह की रखते हैं। और उदाहरण, क्योंकि आप उसी गटर से आए हैं जिस गटर में भाजपा के लोगों की सोच है। क्या बोल रहे हैं अजय जी, प्लीज अजय जी। अरे भाई आप उनकी भाषा तरीका ठीक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं अभी, आपने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए क्या बोला? मैंने कुछ बोला आपको, ये आपकी भाषा थी, लेकिन अब आप इसी तरह बोलते रहेंगे, नहीं बोलना चाहिए ना। तो दूसरी बात आप मेरी सुन लीजिए। अरे रीमा जी, अब मेरा जवाब दीजिए। आप पहले सुन लीजिए, बीच में ना बोले, बोलने की विचारधारा ना चला, सुन ले पहले मेरी बात। अरे ये पहले सुन ले, फिर बीच में आ गए, बातें कर रहे हैं। मैं इनका दोनों का जवाब दे देता हूँ। रीमा जी मैं फाइनल कर दूं आपको, समाजवाद है इनके अपने पार्टी का। अरे भाई बीच में फिर आ गए, पहले मेरी फाइनल बात ये है कि हम पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है, फिर गद्दार कौन है। तो पहले देश के हित की बात करें। अजय वर्मा जी की रनिंग कमेंट्री और विजय जी एक सेकंड विजय जी और अजय वर्मा जी इतने वरिष्ठ होकर के आप इस तरीके की भाषा बोले जा रहे हैं, कितना सुनूं मैं बताइए? नहीं नहीं आप, अरे आप और जो जनता देख रही होती है और जो दर्शक देख रहे होते हैं सबको खराब लगता है। रीमा जी आप प्रवक्ता, प्लीज मत कीजिए ऐसा कि पूरे देश में क्या मैसेज जा रहा है। आप अपनी हर बात रखने के लिए स्वतंत्र है इस मंच पर, लेकिन मर्यादा के साथ रखिए, मर्यादा के साथ उन्हें पाठ पढ़ाइए, मर्यादा के साथ रखिए प्लीज। ये गद्दार, ये वो, क्या भाषा है? हम संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, हम असंसदीय भाषा में जाना ही नहीं चाहते। हम देश के प्रहरी हैं, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हैं, हम मान संवेदना का ध्यान रखते हैं। विजय जी जवाब नहीं, तो इनसे कहिए कि मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, अपने विचार रखें, अपनी पार्टी की रणनीति। एक बड़ा आरोप लगाया है, अब जवाब सुनिए प्लीज विजय जी। देखिए ये अजय जी ने बड़ी कैसे निराधार बातें की हैं। आप मुझे बताइए, नरेंद्र कुमार आप जी कौन थे? प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ क्या सलूक किया गया? ताले लगा दिए गए, उनका पार्थिव शरीर नहीं रखने दिया कांग्रेस मुख्यालय में। आपने सीताराम केसरी का क्या किया? धोती खोल दी गई उनकी, उनके समान पार फेंक दिया गया रोड के ऊपर। आप इस तरह से करते हो, आप दलित नेताओं का क्या? मैं ये पर्सनल आक्षेप नहीं लगाना चाहता था, लेकिन आप सड़क साफ बातें कर रहे हो, इसलिए मुझे मजबूर में बातें करनी पड़ रही है। आप कांग्रेस के इतिहास को कौन नहीं जानता है? आपने किस तरह का व्यवहार किया लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ? आप सिर्फ गांधी फैमिली की चाटुकारी करते हो, उनके चाटुकारी में खो गए हो आप। झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। ठीक है, धोती खोलने के वक्त, ये ठेक ताला लगाने के वक्त, ओके 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 मित्रों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं प्रियंका जी का रुख करूंगी अब, और मैं उससे पहले सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब ये शो या कोई भी शो न्यूज चैनल्स लोग देखते हैं, और सारे आप लोग जो चेहरे हैं सब जाने माने चेहरे हैं, सबको देखते हैं, हर पार्टी के लोगों को,
तो सब लोग बाद में मैसेज करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि किस तरीके की बहस हो रही है आजकल और किस तरह की बातें प्रवक्ता कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर किसी को खुद अपने अंतर्मन से सोचना चाहिए, क्या हम सही आक्षेप लगा रहे हैं और सही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषक अनंत विजय जी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन मैं अनंत जी आपका रुक करूं, प्रियंका जी आप जवाब दीजिए। देखिए ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिस तरीके से अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोल दिया कि चपरासी के जैसे देख रहे थे, ये बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही जातिवादी मानसिकता है, सामंती मानसिकता है, और ये पहली बार नहीं है। जगदीप धनखड़ जी को भी हम लोग देख चुके कि किस तरीके से कहे कि जयराम रमेश मेरिटोरियस है, इंटेलेक्चुअल है, इसलिए उनको आगे होना चाहिए और बाकी खड़गे जी को पीछे होना चाहिए। तो वहीं से पूरा का पूरा इनका परिवेश आ रहा है, मानसिकता आ रहा है। और अभी जस्ट इन्होंने अखिलेश जी की और स्वर्गीय मुलायम जी के ऊपर में आक्षेप लगाए, एक तरीके से बोला कि दोनों का लड़ाई यहाँ पहुंच गया। सीधी बात है, मैंने ये बोला है, इनके बीच में ही झगड़े और प्रेम होता है। जिनका परिवार नहीं है उनका कुछ नहीं होता है, वो दूसरे राज्यों में जाके परिवार तोड़ करके आते हैं, इसलिए परिवार बहुत जरूरी चीज होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और रही आप मोदी जी की भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि गरीब वंचितों के बच्चों को, युवाओं को राजनीति में लाएंगे, तो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और बिल्कुल वही रवैया। अगर ऐसा होता तो अभी तक कम से कम नौकरियों देने की भी कोशिश करते, जो हम 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम युवाओं को दे आए, इतनी भी कोशिश करते, इतना कम भी कर पाते देश के लिए तो बहुत होता। ठीक है अनंत विजय जी, एक्चुअली मुद्दा मैंने शुरू किया, रॉबर्ट वाड्रा ने क्लेम कर दिया है कि अब उनका भी नंबर आना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो उस पर अभी तक अजय वर्मा जी ने बात की, ना ही एलाइज जो हैं उन्होंने बात की, और बीजेपी ने भी खैर इसको मुद्दा नहीं बनाया अभी तक। मैं ये जानना चाह रही थी अनंत जी कि कल हमने तस्वीरें देखी उस पर मुद्दा कुछ और बना, लेकिन आज की रॉबर्ट वाड्रा की इस बाइट को, इस बयान को क्या हम इग्नोर कर दें? वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है और मैं कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, पूरी रिपोर्ट की जमीन पर क्या चल रहा है वो मैं पार्टी आला कमान को देता हूँ, तो जल्दी ही परिवार मेरे बारे में फैसला ले। देखिए रॉबर्ट वाड्रा साहब की संसद में जाने की इच्छा बहुत पुरानी है दिमागी, और वो जब भी अवसर आता है या जब भी संसदीय चुनाव होते हैं तो वो इस प्रकार की अपनी आकांक्षा का प्रकटीकरण सार्वजनिक रूप से करते हैं। अब इसमें किसी को कुछ नहीं किया जा सकता, करना तो उनके परिवार को है। अब वो ये देख रहे हैं, अब वो एक तरफ देखते हैं कि उनकी सासू माँ संसद में है, उनकी पत्नी संसद में है, उनके ब्रदर इन लॉ संसद में है, तो उनके मन में भी स्वाभाविक सी इच्छा है कि कहीं ना कहीं से तो ये आकांक्षा लेगी कि उनको भी संसद में होना चाहिए। अब इस पर एक समस्या परिवार को हो सकती है कि एक ही व्यक्ति के कितने लोग संसद में होंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अखिलेश जी के परिवार से भी 5 लोग तो हैं संसद में, तो अगर वो सक्षम है, परिवार को ये देखना होगा कि वो सक्षम है कि नहीं राजनीति की कर सकते, लेकिन जो उनका दावा है कि वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लोगों के काम सुलझाते हैं, एनजीओ के मार्फत बहुत सारे काम करते हैं, तो अब उनको ये बात सार्वजनिक रूप से बाहर आके करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि परिवार में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसमें परिवार की बात परिवार में नहीं हो पा रही और बाहर उनको आकर अपना प्रकटीकरण करना पड़ रहा है। मेरा तो यही मानना है रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान में। अजय वर्मा जी, क्या ऐसी कुछ घिचपिच चल रही है या उनको साइडलाइन किया जा रहा है या अब उनको आगे किया जाएगा, एक बार जरा मुद्दे पर लौट कर आइए आप। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अनंत विजय जी अच्छे आदमी है, विद्वान आदमी है, उन्हें अपने विचार रख रहे हैं, उनको जो अच्छा लगा वो बता रहे हैं। लेकिन हम रॉबर्ट वाड्रा के विषय में कांग्रेस पार्टी तो बता सकती है, हम ही लोग तो बता सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है वहाँ सब चीजों को ऊपर उठा के ध्यान में रख के हर चीज को ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज को देख के लिया जाए, कोई ऐसी बात ना वहाँ थी ना है ना निकट भविष्य में होगी, सब चीजें वहाँ बिल्कुल ठीक है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और उसके मानसिक दिवालियापन का सोच है। पत्रकार लोग हैं, अपना विचार रख सकते हैं, उनका स्वागत है, उन्हें रखने दीजिए। एक ही शब्द आज आप सीख कर आए हो, मानसिक दिवालियापन। विजय शर्मा के लिए आप वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, अनंत विजय जी के लिए वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कोई तो नई डिक्शनरी में शब्द लेकर आते ना। मैंने तो आपसे ये कहा है कि एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रहे हो आप, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिक दिवालियापन है। फिर आप बीजेपी का मानसिक दिवालियापन हो गया। उसी को तो मैं कह रहा हूँ, शुरू में भी मैंने यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, आगे भी यही कहूंगा कि वो ये प्रोपोगंडा मचाना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से बयान देने के लिए बीजेपी ने कहा है क्या? बीजेपी और रॉबर्ट वाड्रा मिले हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्या वो दोनों के
वो दोनों का कुछ कनेक्शन है क्या आपस में? प्रचार तंत्र है वो इस तरह की बातों को प्रोपोगंडा करता है। ये प्रोपोगंडिस्ट है, एजेंटिस्ट है, ये केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, ऐसा ना कोई किसी है ना दे, अब प्रोपोगंडा करते रहे। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था जब जोसेफ गोपाल, वो भी यही काम करता था कि ये झूठ को 100 बार बोलता था, कम से कम 10 बार बोलने के बाद या 100 बार बोलने के बाद हो सकता है सच हो जाए, लेकिन ये भारत की जनता ही ने आनंद जी, आनंद जी कुछ कह रहे हैं, भारत जी की जनता ही ने समझ चुकी okay, है जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रोपोगेंडिस्ट होने का जो आरोप ये लगाते हैं, प्रोपोगेंडा करने और जो परिभाषा अभी वर्मा जी ने दी है, मुझे लगता है कि उस परिभाषा पर राहुल गांधी जी को भी कसना चाहिए, क्योंकि वह निरंतर संविधान और संविधान के खतरे की बात करते रहे। आप निरंतर बोले तो वो उचित है, दूसरा निरंतर बोले तो वो बस हो जाता है, इससे थोड़ा पार्टी को बचना चाहिए। मैं बस इतना इंटरजेक्शन करता हूं। ठीक है मनोज जी, सीधा सवाल अब जरा, क्योंकि समय कम बचा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस का जो साथ है क्या वो अब अखर रहा है, क्योंकि अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपने हरियाणा का बदला भी ले लिया, मतलब अखिलेश जी ने ये दिखा दिया कि हरियाणा में आपने हमें दिखाई औकात, तो हम आपको अब यूपी में, तो हमारी चलेगी भाई, यूपी में हम बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र में भी आपने हमें दिखाया तो हम आपको यूपी में दिखाएंगे, तो अब ये टिकटॉक का गेम चलता रहेगा इसी तरह? मरीमा जी, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें ऑफर की थी और अभी भी 3 सीटों के लिए मैं दावेदारी से कह रहा हूं, जिसमें एक फूलपुर की सीट थी, खैर थी, और गाजियाबाद की सीट। 9 सीटों में 3 सीटें देना कितने परसेंट हो गया? लगभग 35% सीट हमने ऑफर की थी कांग्रेस को। कांग्रेस के नेतृत्व ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, उन्होंने लगभग वो खबरें पहले से भी आ रही थी, और लगातार कांग्रेस मेहनत कर रही है, और इसलिए मेहनत कर रही है क्योंकि 27 में भी उसको हिस्सेदारी चाहिए और 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए, और चूंकि सारा फोकस महाराष्ट्र, झारखंड और तमाम सारे वायनाड से लेकर और जगहों के चुनाव पे भी कांग्रेस का है, तो निश्चित तौर पर उनको विश्वास है कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के समर्थन से हम बीजेपी को हराने में सफल होंगे, इसीलिए इस तरह का फैसला लिया गया। मनोज जी, आप जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं उसमें, और कल जो अखिलेश यादव का पोस्ट है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने लिखा कि बात सीटों की नहीं है, बात तो जीतने की है, तो मतलब कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती थी, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया। अब आप उस बात को ऐसे ऐसे जलेबी बनाकर डिफेंड कर रहे हैं, वो अलग बात है। मैं जलेबी नहीं, मैं इमरती खाता हूँ, इमरती में बनाता हूँ जलेबी। हाँ। सीधी बनती है, इमरती कई बार राउंड करना पड़ता है। हाँ, तो आपने वो कई बात ठीक है, ओके। मैं आपको बता दूं कि हमारी यूपी की वैसे जलेबी ज्यादा, अरे भाई हरियाणा में भी और यूपी में भी जलेबी की चर्चा थी, तो मैंने भी जलेबी बोला, अभी इमरती तक पहुंचे ही नहीं है लोग। नहीं, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंचते हैं, जहां ना पहुंचे कोई वहां पहुंचे मनोज, ये तो आपको पता होगा, और बीजेपी तो भली भांति जानती है, और हमारे साथी वर्मा जी तो बहुत पुराने मेरे साथी हैं, 7-8 साल पुराने। मैं इतना कहता हूं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में घबरा गई है, अभी भी सीटें नहीं डिक्लेयर की हैं, कर तो दी आज कर दी है, साथी तो हुई है, तो साथ तो हुई, सीसामऊ कानपुर की अभी भी रह गई है, अभी भी रह गई है, सोचो डर कितना है, कॉफ कितना है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का। मैंने सीधा सवाल किया था मनोज जी कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ वोट, कांग्रेस के भी कुछ वोट आपकी तरफ ट्रांसफर होंगे, ऐसा है? कांग्रेस इस स्थिति में है, जो हाथ दोनों ने हाथ मिलाते हुए जो फोटो डाली है अखिलेश यादव ने, आपके वोट तो ट्रांसफर हुए, लेकिन क्या कांग्रेस के भी वोट इधर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण से। उनके जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के बता भी दिया है कि हम पूरी ताकत से कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को ये चुनाव हारने पड़ेंगे। रीमा जी, ये मेरा स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश उपचुनाव 9 सीटों पे बीजेपी को चुनाव हारना पड़ेगा, ये इंडिया अलायंस की सौगंध है। अच्छा, सौगंध है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं, ये मैसेज देखिए।
कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर यूपीआई पिन डाला उधर पैसा, पैसा कहाँ है? मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए वक्त की बात है, क्विक रिएक्शन विजय शर्मा जी, मनोज जी की बात का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि उन्होंने तो दिखा दिया, तीनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने और सपा ने, कि हमारा इंडी गठबंधन हर टूट फूट से बढ़कर आगे है। लेकिन यूपी में आपने तो सबको, आपने भी तो अपने अलाइज को ठेंगा ही दिखाया ना। देखिए रीमा जी, एक इंग्लिश में कहावत है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। समाजवादी, हाँ जी, ये जैसे का तैसा, जैसे ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर वही चल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में अपने अलाइज के लिए टिट फॉर टैट बोल दिया, बहुत अच्छे विजय, आप धन्य हो। ओके ओके ओके, धन्य है आप, धन्य। मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ मोमनलाल बोला था, ऐसे ही हरियाणा में इन्होंने अपनी सीटें मांगी तो वहां मना कर दिया इन्होंने। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कर दिया। मैंने आपके अलाइज की बात की थी, सवाल ये था कि आपने भी तो अपने अलाइज को ठेंगा दिखाया यूपी में, ये सवाल था। दे दिया विजय जी, जैसे मांग रहे थे वैसे दे दिया। ओके देखिए देखिए, हमारे अंदर क्या है, सामंजस्य बना के चलते हैं हम। हमारे अंदर इनकी तरह जो है मन भेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी किस तरह से हमने काम किया है, तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं होता। इनके यहाँ तो झगड़े होते हैं, मारपिटाई होती है, आपने देखा होगा सड़कों पे आ जाते हैं मारपिटाई करते हुए। तो इनके यहाँ सब कुछ चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ तो कहावत है समाजवादी पार्टी के बारे में, जिस तरह से कि एक कार में बैठे हो और झंडी लगी हो समाजवादी पार्टी की, सब तो गुंडे बैठे हुए इसके अंदर, तो इस तरह के इनके अंदर वो है। ये बड़ा स्टेटमेंट ने बोला था साहब, विजय जी शराब से भरी हुई, पता है ना आपको, उसे भाजपा का झंडा लगा हुआ था और कितने लोग भी झंडा से मर रहे हैं। आपने देखा होगा सारे के सारे गाड़ियों में भाजपा के झंडे मिले हैं। जंगल राज का आपने देखा नहीं है क्या? सारी गाड़ियों पर भाजपा के झंडे मिले हैं, घर घर के शराब सप्लाई की जा रही है और बिहार में लोग हर दिन आकर आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, देख नहीं पा रहे, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं और सारे झंडे भाजपा के लगे इन गाड़ियों पे, तो बिहार देख रहा है, देश देख रहा है कौन क्या फैलाना। आरजेडी के नेता पकड़े जा रहे हैं। आप विजय जी को मत बोलिए, देखिए उनके दिल्ली से फोन आ गया हेड ऑफिस से कि आप बोल नहीं पा रहे। आप विजय जी, आप फाइनल कमेंट, अनंत विजय, चलिए ठीक है अनंत विजय जी, मैं सिर्फ अंत में, क्योंकि अब वक्त की बाधा है, खाली हाथ किसके आखिर, बिग ब्रदर कौन है इस अलाइज में? रीमा जी एक मिनट जरा, मैं क्या है ये बात पे हंसे थे, टिट फॉर टैट का मैंने बताया था, जैसे का तैसा, तो मैंने क्या गलत बोला था? आप देखिए नहीं क्या, तो ये क्या किस बात पे हंस रहे थे रीमा जी? रीमा जी, आप अपने अलाइज के लिए टिट फॉर टैट के इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भाई? वो तो सीट मांग रहे थे, सीट मांग रहे थे, क्या उनके पार्टी ने आपको, अरे टिट फॉर टैट रीमा जी का सवाल आपके अलाइज के लिए था यूपी के। विजय जी, किसी के हंसने से आपको क्या फर्क, छोड़िए ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने अपनी बात रखी, अब वो हंस रहे हैं या जो कर रहे हैं, छोड़िए अनंत जी। रीमा जी, एक मिनट बढ़ाना जी, अनंत जी, हाँ अनंत जी को बोलने देंगे जी। रीमा जी, मैं इतना कह रहा हूँ कि मनोज यादव जी को आज लास्ट बॉल थोड़ी लूज मिल गई और उस पर छक्का मार दिया उन्होंने। कई बार होता है कि जब बॉलर सही बॉलिंग कर पाता तो उससे एक आध गेंद चूक हो जाती है, तो सही बल्लेबाज जो होता है मनोज जी की तरह, वो लास्ट बॉल पे छक्का उड़ा देता है, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन होता यह है दरअसल कि इसमें जो गठबंधन की बात हो रही है ना, इसमें बिग ब्रदर उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी ही है, इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का कितना वोट ट्रांसफर हो जाएगा, आप सवाल पूछ रही थी, तो 2.5% वोट ट्रांसफर हो जाएगा। कांग्रेस के पास वोट ही कितने हैं रीमा जी? 2.5% तो कुल जमा वोट है। जब प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के कैंपेन ने कांग्रेस में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद प्रियंका गांधी को
महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया गया, उसके वक्त तो ये तय हो गया कि कांग्रेस अपने लोएस्ट वोट शेयर पर उत्तर प्रदेश में 2.5%। तो वहां तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अखिलेश जी एक बड़े भाई हैं या कांग्रेस बड़ा भाई है। अजय वर्मा जी चलते चलते यही बात प्रधानमंत्री ने कही थी हरियाणा की जीत के बाद कि कांग्रेस पार्टी पैरासाइट है, वो दूसरों के और अपने सहयोगियों के सारे वोट खा जाती है और खुद अपना तो वो कहीं कुछ ट्रांसफर करती नहीं है, अगर नेगेटिव चीजें होती है वही ट्रांसफर होती है। तो पैरासाइट, यही बात आनंद जी कह रहे हैं, वो अपने लिए कह रहे थे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी देखो दलितों का हमेशा सम्मान करती है, खड़गे जी को दलित कहां से आ गए बीच में? अरे आपने, मैं तो सीटों की बात कर रही थी अभी, दलित आपके चैनल पे चल रहा है, बीच में आ गए, आपके चैनल पे चल रहा है दलितों का। अरे सवाल तो सुना करो आप पूरा पहले। अरे सवाल नहीं, मैं जो चैनल पे चल रहा है वो देख रहा हूँ, चैनल पर चल रहा है। सपा ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव दिया, अब इस पे बोलिए, वो भी बताऊंगा 10 सेकंड। विधानसभा चुनाव में खुली कांग्रेस की कलाई है, चल रहा है चैनल पर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस आपको पता नहीं खड़गे जी कहाँ दिखाई देगा, कहीं नहीं चल रहा चैनल पर। और अब उनको विपक्षी गठबंधन में अब डगमगाती कांग्रेस की नहीं है, हम दलितों का अजय जी डिफेंड नहीं कर पा रहे हो आज आप, ठीक से चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब सवाल महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव और आगामी चुनावों पर आ रहा है, तो एक चुनाव किस तरह से भविष्य को भी खतरे में खड़ा कर देता है, आपकी इमेज पर भी डेंट लगा देता है और बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है, ये राजनीति में दिखाई देता है। हरियाणा ने कुछ यही संकेत दे दिए हैं कि अब आगामी चुनावों में भी और भविष्य में भी कांग्रेस की अपने सहयोगी दलों के बीच क्या स्थिति है, बार्गेनिंग पावर कम हो गई है, ये चीज़ भी समझ आ गई। पांच की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।